Good morning, students. So today we are going to discuss the second source of owner's funds, which is issue of shares. All right, just wait. So issue of shares. Let's come to the meaning of share. What is a share? बेटे जो कंपनी होती है उसकी कैपिटल को हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. ईच स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड एज शेयर. सो स्मॉलेस्ट पार्ट इन विच कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इज कॉल्ड एज शेयर. हर शेयर की एक नॉमिनल वैल्यू होती है. ठीक है, सपोजिंग कंपनी ने अपने शेयर की वैल्यू रखी हुई है रुपीज 10 एंड इट वॉन्ट्स टू रेज 10 लाख रुपीज फ्रॉम द पब्लिक. ये 10 लाख की कैपिटल से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है और इसने अपने शेयर की प्राइस वैल्यू रखी है, फेस वैल्यू होती है ये 10 रुपीज. सो बाय इशुइंग 1 लाख शेयर्स एट रुपीज 10 पर शेयर, इट कैन रेज 10 लाख रुपीज फ्रॉम द पब्लिक. समझ में आया? एक कंपनी है, उसको 10 लाख कैपिटल की जरूरत है जिसको वो शेयर्स इश्यू करके रेज कर सकती है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड है चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है. अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उस केस में जो शेयर्स हैं वो प्राइवेट मेंबर्स, मैम ऐड हो गए बच्चे, प्राइवेट मेंबर्स. सपोज करो ये 10 स्टूडेंट्स ने मिलके कहा कि हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करते हैं, 10 लाख की कैपिटल इनको चाहिए, तो 10,000 शेयर ये कंपनी इश्यू करेगी. ठीक है, जिसमें से ये 10 मेंबर्स जो हैं जितना शेयर्स लिए लेना चाहते हैं उतने शेयर ले लेंगे. कोई 5,000 लेना चाहता है, कोई 10,000 लेना चाहता है, कोई 50,000 लेना चाहता है. ठीक है, तो उतने परसेंट के ये ओनरशिप ओनर्स बन जाएंगे. सपोज करो दिस मेंबर सेज दैट ही इज रेडी टू टेक 10,000 शेयर्स. टोटल शेयर कितने हैं? 1 लाख हैं. इसने कितने लिए? 10,000. तो ये कंपनी की 10% की हिस्सेदार बन गई. शी इज 10% शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. आपने कहा आपको 50,000 लेने हैं तो आप 50% के हिस्सेदार बन गए. समझ में आ गई? ऑन दी अदर हैंड इफ दिस इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी देन इट हैज टू रेज शेयर कैपिटल फ्रॉम द जनरल पब्लिक. तो ये प्रोस्पेक्टस इशू कर देगी, ब्रोकर्स अपॉइंट कर लेगी. ठीक है, और जनरल पब्लिक को ये शेयर्स इशू कर देगी. जो जितने सब्सक्राइब करना चाहता है उतने ले सकता है. कोई एक शेयर भी ले सकता है, कोई 10 शेयर भी ले सकता है. ठीक है, तो वो उतने परसेंट का वो हिस्सेदार बन जाएगा. ठीक है, सो ओवरऑल इट विल इशू हाउ मेनी शेयर्स? 1 लाख शेयर. वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 10 रुपीज एंड बाय दिस इट कैन रेज 10 लाख रुपीज फ्रॉम द जनरल पब्लिक. अब सपोज करो मैं कहती हूं मेरे पास काफी पैसे पड़े हैं, मैंने ना 10,000 शेयर अप्लाई कर दिए, इसने 50,000. मुझे तो नहीं ना पता हाउ मेनी अदर्स आर सब्सक्राइबिंग, हाउ मेनी शेयर्स पीपल आर सब्सक्राइबिंग. आप सबने 10,000 सब्सक्राइब कर दिए, 20 लोगों ने 10,000 सब्सक्राइब कर दिए. कितने शेयर सब्सक्राइब हो गए? 2 लाख. कंपनी ने कितने इशू करने हैं? 1 लाख. तो ये नहीं कि कंपनी 2 लाख दे देगी आपको. हेयर द कंपनी डिस्क्रिशन कम्स इनटू रोल. ये कंपनी की डिस्क्रिशन है. कंपनी सोच सकती है कि जिसने 2-2, 3-3 शेयर्स अप्लाई किए उनको हमने कोई भी शेयर नहीं देना, जिसने 10,000 या 10,000 से ज्यादा अप्लाई किए उनको हम 50% दे देते हैं. तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, कंपनी क्या पॉलिसी बनाती है. लेकिन ओवर सब्सक्राइब, मतलब अगर शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं कंपनी अलॉट उतने ही कर सकती है. कंपनी शेयर्स पहले इश्यू करती है, ये आपको प्रोसेस पता होना चाहिए. सबसे पहला रोल होता है कंपनी का,
कंपनी क्या करती है, मैं इधर लिख देती हूँ ताकि इधर स्टूडेंट्स को पता चल जाए, व्हाट डज द कंपनी डू, कंपनी इश्यूज शेयर, आपको इशू कर रहे हैं हम, मैं कंपनी हूं, मेरे को आपसे कैपिटल रेज करनी है, मैंने आपको शेयर्स इशू कर दिए, ठीक है, यानी प्रोस्पेक्टस निकाल दिए, मैंने आपको इनवाइट किया कि भी मैं कंपनी के शेयर्स इशू कर रही हूं, आपने लेने हैं तो ले लो, दोज हु आर इंटरेस्टेड दे विल सब्सक्राइब द शेयर्स, दे विल सब्सक्राइब द शेयर्स। अब फिर कंपनी का रोल, आपने सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक ए कॉलेज या स्कूल है, उसने एडमिशन नोटिस निकाला कि हम बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं प्लस वन में, सीट्स हैं 50, 100 ने अप्लाई कर दिया, होता है ऐसे या नहीं, अब हमारी डिस्क्रिप्शन है ना, हमने तो 50 को सीट देनी, किस किस को दें, हमने वो सब्सक्राइब कर दी, सॉरी आपने सब्सक्राइब किया, स्कूल ने क्या किया, सीट्स अलॉट इशू की, शेयर्स कंपनी ने इशू किए, पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, यानी अपना इंटरेस्ट शो किया, यस वी आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दीज शेयर्स, राइट, उसके बाद कंपनी शेयर्स को अलॉट करेगी, ठीक है, कितने अलॉट करेगी, जितने उसने पहले इशू किए थे, कितने किए थे, 1 लाख, तो अगर ओवर सब्सक्राइब भी हो जाते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट शो करती है 2 लाख शेयर्स खरीदने में, तो भी ये कंपनी कितने ही अलॉट करेगी, 1 लाख, ठीक है, तो ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए और प्रोसेस पता होना चाहिए, कंपनी इशू करती है शेयर्स, पब्लिक सब्सक्राइब करती है, उसके बाद फिर कंपनी अलॉट करती है शेयर्स, इज इट क्लियर, सो शेयर्स का मतलब पता चल गया, अब शेयर से जो कैपिटल रेज होती है, द कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय द इशू ऑफ शेयर्स इज नोन एज शेयर कैपिटल, ये जो 10 लाख रुपए कंपनी के पास आ गए, कैसे आए, शेयर्स इशू करके, है ना, तो इसको क्या कहेंगे, शेयर कैपिटल। अभी तक आपने अकाउंट्स में बैलेंस शीट बनानी सीखी है, बुककीपिंग नहीं, चलो आपने वो तो कैपिटल का मीनिंग तो पता है ना आपको, तो यू व्हाट डू यू राइट, द इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, हाउ डू यू राइट इट, कैपिटल, इन कंपनीज अकाउंट्स इट इज मेंशनड एज शेयर कैपिटल, ठीक है, पता चल गया यहां तक, ठीक है, और द पर्सन होल्डिंग द शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर, ठीक है, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स व्हिच आर नॉर्मली इश्यूड बाय द कंपनी, 1 इक्विटी शेयर्स, अनदर प्रेफरेंस शेयर्स, आजकल वैसे इक्विटी शेयर्स ही रेज करती हैं, देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज व्हिच इशू प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन ये एग्जिस्टेंस में है, पुरानी कंपनीज ने ये इशू किए हुए हैं, सो बिकॉज दे एग्जिस्ट वी नीड टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स, बट ए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कंपनी कैपिटल जब रेज करना चाहती है, दैट इज बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, सो व्हाट आर वी स्टडिंग, वी आर स्टडिंग दैट टुमारो when you want to start a new business, what are the various sources of funds available to you, theek hai, so let us say aap ek large scale pe aapka jo idea hai wo ek large scale pe kaam karne ka hai, theek hai, aur aap ek company form karna chahte hain, aap sole proprietor nahi banna chahte, partnership mein nahi kholna chahte, aap ek company banana chahte hain, theek hai, to us case mein aapko शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे, देर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, वन इज इक्विटी शेयर एंड अदर इज, सो कंपनी खोलने के लिए आपको, आप ये सोचो मैम पता नहीं कैसे बड़े बड़े ख्वाब दिखाई जा रही है हमें, हम कैसे कंपनी खोल लेंगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, कंपनी के लिए कैपिटल कहां से आती है, कंपनी की कैपिटल क्या होती है, शेयर कैपिटल, शेयर, आप चाहो तो कंपनी के 10% के हिस्सेदार भी बन जाओ, 1% भी बन जाओ, ठीक है, यू विल बी शेयर होल्डर, सो व्हाट, हाउ यू कैन रेज कैपिटल फॉर द कंपनी, बाय इशूइंग शेयर्स टू द जनरल पब्लिक, आप अपना 1 पैसा लगाए बिना भी कंपनी खोल सकते हो,
नॉट लिटरली एक्चुअली, आपको स्पेड वर्क तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कम पैसों से भी आप कंपनी खोल सकते हो, क्योंकि कंपनी की जो कैपिटल है वो शेयर कैपिटल होती है. सो अगर आपको कंपनी खोलनी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस इज इक्विटी शेयर्स. ठीक है, सो इक्विटी शेयर्स दे रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ द कंपनी. तो इसीलिए जो कैपिटल रेज होती है बाय इश्यूइंग शेयर्स, इट इज नोन एज ओनरशिप कैपिटल. हम इसको कौन सी कैटेगरी में पढ़ रहे हैं? ओनर्स फंड्स में पढ़ रहे हैं. तो क्योंकि बेटे शेयर होल्डर ने ओनर बन जाना है. आप बोलो कि मैम कैसी बातें कर रही हैं, कंपनी कोई और खोल रहा है, हमने तो सिर्फ शेयर लिए, हमारा क्या लेना देना. अगर आपके पास शेयर है, यू आर दी ओनर ऑफ द कंपनी. शेयर होल्डर रिप्रेजेंट्स ओनर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, आपको कंपनी के प्रॉफिट में आपकी हिस्सेदारी है. इज इट क्लियर बेटे? आज मेरे पास 5 कंपनीज के शेयर्स हैं. इट रिफ्लेक्ट्स आई एम द ओनर ऑफ 5 कंपनीज, इवन इफ आई एम 0.1% ओनर. ठीक है, मेरे पास ये कंपनी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसने 10,000 शेयर इशू किए, इसका मेरे 1,00,000 शेयर इशू किए, इसका मेरे पास कितना शेयर है? 1 शेयर है. 10,000 का 1 शेयर है इस कंपनी का. तो मैं इसकी कितने की हिस्सेदार हूं? 1/1,00,000 × 200. 2 0 कट गए. ठीक है, 1, 2, 3. तो मैं कितनी हिस्सेदार हूं? 0.0001%. बट दैट डज नॉट डिनाई द फैक्ट आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी. ठीक है, तो शेयर से जो हम फंड्स रेज करते हैं उसको हम ओनरशिप कैपिटल कहते हैं. शेयर कैपिटल इज दी ओनरशिप कैपिटल. इसके ऊपर आपने कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना थर्ड पार्टी को, पर कुछ तो पे करना पड़ेगा. जिन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की उनको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है ना. प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिविडेंड. ठीक है, सो इक्विटी शेयर कैपिटल इज द प्री रेक्विजिट टू द क्रिएशन ऑफ कंपनी. बिना इक्विटी शेयर के कंपनी स्टार्ट नहीं हो सकती, चाहे प्राइवेट कंपनी है चाहे पब्लिक लिमिटेड कंपनी है. आपने बोला कि मैम हम तो 10 जने मिलकर खोल रहे हैं, तो हमें शेयर कैपिटल की क्या जरूरत है? बेटे आपकी जो कैपिटल है, जिस तरह से सोल प्रोप्राइटर या पार्टनर्स कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें वो लिख देते हैं एज कैपिटल इतना, बीज कैपिटल इतना. ए इतना लेके आया, बी इतना लेके आया, ऐसी होता है पार्टनरशिप के में. हम लिख देते हैं एज कैपिटल, बीज कैपिटल 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 रुपीज. कंपनी में क्या होगा? सपोज करो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 10 मेंबर्स ने मिलके खोली है. उसमें ये 10 मेंबर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये 10 मेंबर्स हैं. ठीक है, ये कंपनी की कैपिटल 10,00,000 रुपीज है, विच इज डिवाइडेड इनटू 1,00,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each. तो दीज 1,00,000 हैज टू बी बॉट बाय दीज 10 मेंबर्स. बेटे इन 10 ने काम खोला है, तो 10,00,000 इनको ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. सपोज करो ये 10 मेंबर कहते हैं हम 10-10% की हिस्सेदारी कर लेते हैं, यानी ऑल ऑफ देम आर रेडी टू बाय 10,000 शेयर्स एट रुपीज 10 each. तो हम ऐसे लिखेंगे, ए की कंट्रीब्यूशन क्या है? 10,000 शेयर्स एट रुपीज 10 each. बीस 10,000 शेयर्स एट रुपीज 10 each, एंड सो ऑन. दिस इज द शेयर कैपिटल. सो क्या इसके बिना कंपनी स्टार्ट हो सकती है? बिना कैपिटल के तो कोई भी काम नहीं ना स्टार्ट हो सकता. तो इक्विटी शेयर्स इज द प्री रेक्विजिट फॉर द क्रिएशन ऑफ एनी जॉइंट स्टॉक कंपनी. ठीक है, अब दूसरे शेयर्स कौन से हैं?
जो इक्विटी शेयर्स इशू करके कैपिटल रेज की जाती है उसको हम कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, और जो प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके कैपिटल रेज की जाती है, मनी रेज की जाती है, उसको कहते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लियर? अब हम इक्विटी शेयर होल्डर की बात करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर सपोजिंग इसके पास 10,000 शेयर है, हर एक के पास 10,000 शेयर है। तो अब जब इसने 10,000 शेयर लिए तो क्या कंपनी कोई इसको फिक्स करेगी कि भाई हम तेरे को इन 1,00,000 जो तूने कंट्रीब्यूट किया है इसके बदले हम तुझे हर महीने या हर साल 1,000 रुपए या 2,000 देंगे? कह सकती है? बेटे बिजनेस तो अनसर्टन है, आप सोल प्रोप्राइटर हो, ठीक है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया 10,00,000 रुपए लगा के, क्या आप श्योरिटी से कह सकते हो कि हर महीने आपको 1,00,000 रुपए मिलेगा? बिजनेस इज अनसर्टन, तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो फ्लक्चुएट करेंगे, कभी ज्यादा होंगे कभी कम होंगे। तो आपको रिटर्न फिक्स्ड मिलेगी? नहीं। इसी तरह ये ए टू जे शेयर होल्डर्स हैं, दे आर रनिंग अ बिजनेस, वुड दे गेट एनी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड? नो, ठीक है, सो दे आर नॉट एश्योर्ड एनी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड, बट दे आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। हर साल कंपनी की कितनी अर्निंग्स होती है, उसमें से टैक्स पे करने के बाद कंपनी के पास कितना बचता है, और कंपनी की क्या पॉलिसी है, उसने कितनी अर्निंग्स रिटेन करके रखनी अपने पास, उसके अलावा जो बच जाएगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट दी शेयर होल्डर्स, उसको क्या कहेंगे, डिविडेंड। बट दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड, उनको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलेगा, ठीक है, ओके। सो अनदर थिंग, सॉरी, मैंने आपको ये बताया ये कंपनी के प्रॉफिट्स हैं, ये कंपनी का क्या है, टैक्स है, ठीक है, ये कंपनी ने कहा इतना हमने रिटेन करके रखना है। उसके बाद बेटे ये जो कंपनी के पास प्रॉफिट्स बच गए ये सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के नहीं है, इनमें से हमने कुछ परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देनी है। अब इसके लिए व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये समझने की जरूरत है आपको। नाम से कुछ पता चल रहा है प्रेफरेंस शेयर बेटे? इनको कुछ प्रेफरेंस मिलती है। आप लोगों ने इक्विटी शेयर खरीदे, आप लोगों ने प्रेफरेंस शेयर खरीदे कंपनी के, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स जिन लोगों ने खरीदे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे एंजॉय टू प्रिविलेजेस, टू प्रेफरेंसेस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये वाले शेयर होल्डर्स के पास इनके ऊपर दो प्रेफरेंसेस हैं। एक, यू पीपल विल गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। आर यू पीपल गेटिंग फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड? नहीं ना, इक्विटी शेयर होल्डर को कभी फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑलवेज एंजॉय फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। जब प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हैं उसके ऊपर लिखा होता है 6% प्रेफरेंस शेयर्स, विच मीन्स आपने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है उसके ऊपर 6% आपको डिविडेंड मिलेगा, फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट्स में से 6% उनको चला जाएगा, ठीक है, और बाकी कंपनी के जितने भी क्लेम्स वगैरह सेटल करने के बाद जो बचा खुचा होगा वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप लोगों में, यू आर इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो अनदर वर्ड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स इज रेजिडुअल ओनर्स। यू नो व्हाट इज अ रेजिड्यू? रेजिड्यू जो बचा खुचा होता है बेटे, तो बचा खुचा जो कंपनी के पास है उसमें से आपको हिस्सेदारी मिलेगी। मतलब सारे क्लेम्स सेटल करने के बाद
कंपनी का जो प्रॉफिट बच जाता है, अब बच्चे कुछ ऐसे ये मत समझना कि अरे फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा, अभी भी देखो लॉट इज देयर, बट बिकॉज इट इज लेफ्ट आफ्टर सेटलिंग ऑल द क्लेम्स सो इट इज राइट टू कॉल इट एज रेजिडुअल। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स ने खीर बनाई है, आपको बहुत अच्छी लगती है, चाहे पतीला भर के बनाई है, ठीक है, मेहमान आ गए तो आपने कहा मेरे को भी दे दो, तो मम्मा ने कह दिया कोई बात नहीं मैं पहले उनको दे दूं फिर देती हूँ, तो दैट डजंट मीन कि आपको नहीं वो कम मिलेगी, बस ये कि एंड में मिलेगी, रेजिडुअल मिलेगा। ठीक है, रेजिडुअल में भी ऐसा नहीं है कि कम ही रहेगा, सो लेकिन मिलेगा रेजिडुअल में से, सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज रेजिडुअल ओनर्स सिंस दे रिसीव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर ऑल द क्लेम्स ऑन कंपनीज इनकम्स एंड एसेट्स हैव बीन सेटल्ड। ठीक है, नाउ ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं दे इंजॉय द रिवॉर्ड एज वेल एज बियर द रिस्क ऑफ ओनरशिप। इनको रिवॉर्ड मिल रहा है किस फॉर्म में, दे आर गेटिंग पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स कॉल्ड एज डिविडेंड, बट दे आर द रिस्क बियरर्स एज वेल। रिस्क बियर कौन सा रिस्क बियर कर रहे हैं, मेहमान आए खीर खत्म भी हो सकती है या नहीं, सो इसी तरह अगर आपको कम प्रॉफिट्स हुए, ये टैक्स चला गया, ये रिटेन्ड अर्निंग्स, ये प्रेफरेंस को चला गया, हो सकता है आपको सिर्फ इतना मिले, हो सकता है आपको ये भी ना मिले, ये सारा प्रेफरेंस में चला जाए, हो सकता है यू माइट नॉट गेट एनी रिटर्न। मेरे पास, मैंने बताया मेरे पास कंपनी के शेयर हैं, कुछ कंपनीज के 5-7 साल हो गए मेरे को डिविडेंड नहीं आ रहा, ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग एनी रिटर्न। सेकेंडली द कंपनी मे इनकर लॉसेस, हो सकते हैं मेरे पैसे डूब सकते हैं, पैसों के ऊपर रिटर्न एक्सपेक्ट करना तो दूर की बात है, जो मैंने 1,00,000 रुपए लगाया है कंपनी के शेयर, मेरे पास 10,000 शेयर हैं, 1,00,000 रुपए के मैंने लिए थे, कंपनी डूब गई, लिक्विडेट हो गई, वाइंड अप हो गई, तो मेरे ये पैसे डूब सकते हैं या नहीं, डूब सकते हैं। सपोज करो कंपनी की कैपिटल थी 10,00,000, कंपनी को नुकसान हो गया 20,00,000, तो अब कंपनी मुझे कह सकती है कि अपने पर्सनल एसेट्स बेचो, कह सकती है क्यों नहीं, सोल प्रोप्राइटर, अगर मैं सोल प्रोप्राइटर हूं और मुझे 20,00,000 का नुकसान है, दुकान बेच के 10,00,000 रुपए मिले मेरे को, तो मैं, मेरा घर बार बिक जाएगा, क्रेडिटर्स मेरे घर के बाहर आके खड़े हो जाएंगे, ये कार खड़ी है, ये घर है, इसको बेच के हमारे पैसे सेटल करो, यस, कंपनी में क्यों ऐसा नहीं हो सकता। लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड, लिमिटेड टू व्हाट, लिमिटेड टू द कैपिटल इन्वेस्टेड। तो मैंने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की, 1,00,000 ना, तो मेरा मैक्सिमम नुकसान कितना होगा, 1,00,000, सो द रिस्क इज देयर, आई एम द शेयर, एवरी शेयर होल्डर इज रिसिपिएंट ऑफ प्रॉफिट्स, ही इज बियरर ऑफ रिस्क, बट हिज लायबिलिटी इज लिमिटेड, लिमिटेड टू व्हाट, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इन द कैपिटल। नाउ एज अ शेयर होल्डर कैन आई पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, डू आई हैव राइट टू वोट, यस आई डू हैव राइट टू वोट। हाँ, मैं बोर्ड, देखो कंपनी की ओलिगार्किक मैनेजमेंट है, मैंने एक क्वेश्चन भी डाला था, अ फ्यू पीपल टेक डिसीजंस, बेटे मिलियंस ऑफ शेयर होल्डर्स हैं एक कंपनी के, यहाँ पे एक डिसीजन लेनी हो 40 स्टूडेंट्स में, तो हर एक का अलग अलग वो डिसीजन आएगा, हम एक डिसीजन नहीं ले पाएंगे, जब सबसे पूछेंगे तो क्या करेंगे, 2 बच्चों को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, उनकी डिसीजन फाइनल हो, ऐसा ही होता है,
इसी तरह कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चूज कर लेती है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की डिसीजंस लेते हैं, बट देन शेयर होल्डर्स डू हैव द राइट टू वोट, ठीक है। और हर शेयर होल्डर के पास राइट टू वोट होता है, लेकिन ऐसा होता है कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है ना, उनमें मिलियंस ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं। मैं शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास हर साल लेटर आती है कि ये कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है, हमने यहाँ पे चेयरमैन सिलेक्ट करना है, हमने यहाँ पे ये करना है, आप आइए अपना वोट एक्सरसाइज करिए। मुंबई में कंपनी में जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, चलो वो कहते हैं आप नहीं आ सकते, ये प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी मतलब आप यहाँ पे अपना डिसीजन लिख के हमें बाय पोस्ट भेज दीजिए। मैं वो भी नहीं भेजती, मैं नहीं भेजती, आई एम टेलिंग यू द साइकोलॉजी ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स बेटे, ठीक है। बट देन यू कांट, इवन इफ आई एम नॉट एक्सरसाइजिंग माय राइट टू वोट, बट आई डू हैव द राइट टू वोट, कंपनी इज गिविंग मी राइट टू वोट, सो एवरी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैज राइट टू वोट, इज इट क्लियर? आपकी तो च्युइंगम नहीं मेटे कभी भी मुंह से निकलनी ड्यूरिंग प्रैक्टिकल, दिस डज नॉट हेल्प, पुटिंग अ मास्क ओवर योर माउथ डज नॉट मीन यू आर नॉट च्युइंग इट, गो एंड थ्रो इट इन अ पेपर। ओके, लेट अस डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू इक्विटी शेयर्स। फर्स्ट मेरिट, इक्विटी शेयर्स आर सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू अज्यूम रिस्क फॉर हायर रिटर्न्स। अब ये जो मेरिट है, ये कंपनी के व्यू पॉइंट से नहीं है, ये इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से है। मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, मैं सोच रही हूँ कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, मैं एफडी में करूँ, मैं बैंक में गई तो इंटरेस्ट 4% रह गया एफडी का, ठीक है। मैंने दो तीन और सोर्सेस देखे, समबडी सजेस्टेड मी टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर में रिटर्न ज्यादा आती है लेकिन रिस्क भी है, सो इफ आई एम विलिंग टू ट्रेड इट ऑफ, मैं कहती हूँ ठीक है मैं रिस्क ले लूंगी पर मुझे रिटर्न ज्यादा चाहिए। इट इज सुटेबल फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू एज्यूम रिस्क फॉर हायर रिटर्न। सेकेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर इज नॉट कंपल्सरी। ये अब कंपनी के व्यू पॉइंट से है, कंपनी इक्विटी शेयर से कैपिटल रेज कर लेती है, ठीक है। इनिशियल ईयर्स में इसको प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, ये डिविडेंड नहीं दे पा रही, तो ये किसी लीगल उसमें नहीं आएगी, उसके लिए शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे आउट करना कंपलसरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, मेरिट कैसे हुआ ये बेटे, सपोज करो आप एक कंपनी खोलते हो, ठीक है, आपने कुछ पैसे शेयर कैपिटल से रेज किए, कुछ कैपिटल, कुछ पैसे आपने लोन लिया, कंपनी ने क्या लिया, लोन लिया, 5 लाख रुपए का लोन लिया, 10 लाख रुपए कैपिटल से रेज कर दिए, 5 लाख रुपए लोन लिया, ये आपने लोन लिया 10% पर एनम पे, यानी हर साल आपको इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट दे पे करना पड़ेगा, 50,000 रुपीज, तो ये आपको पे करना ही पड़ेगा, इट इज कंपल्सरी। वेर एज जो इक्विटी शेयर कैपिटल से फंड्स रेज किए हुए हैं इसके ऊपर कंपल्सरी नहीं।